आपने देखा ना किस तरह से देव बाबू से उनके अधिकार छीन लिए गए, क्योंकि उनकी धन पत्नी उनके साथ नहीं थी। विशाखा के जाने के बाद दोनों परिवार बहुत दुखी हैं जी। कितनी आस से उन्होंने विशाखा को अपने परिवार की छोटी बहू के रूप में चुना था, और विशाखा ने, वो तो उनका बड़प्पन है जी, जो वो अभी भी हमसे मेल जोल बनाए हुए हैं, तो हमें भी तो उनसे रिश्ता बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए ना जी। और राधिका के विषय में सोचकर देखिए, इतनी अल्प आयु में जोगन बनकर रहने से अच्छा क्या ये नहीं होगा कि उसका विवाह किसी ऐसे परिवार में हो जाए जहां उसकी भक्ति का उचित सम्मान हो। न जाने कितनी बार राधिका ने विशाखा की जगह लेकर हमें कितनी ही विपत्तियों से बचाया है जी। इस बार राधिका विशाखा की जगह ले रही है तो इसमें राधिका की भी खुशी है जी। और अगर अगर ये विवाह हो जाता है तो देव बाबू को उनके खोए हुए अधिकार मिल जाएंगे। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। राधा कृष्ण को चिरंतन युगल माना गया है। उनकी मूर्ति की स्थापना केवल वैवाहिक जोड़ा ही कर सकता है। गुरुजी, देव बाबू की पत्नी नहीं है। उचित यही होगा देव बाबू कि आप अकेले ही पूजा आरंभ करें। देव बाबू बिना पत्नी के ये स्थापना नहीं कर सकते हैं। ये क्या गौरी, तू चारा खा ही नहीं रही। माँ ने भी मुझसे कहा था कि जब मैं यहाँ नहीं थी तो तूने कुछ नहीं खाया। ऐसे कैसे चलेगा गौरी? ये ले, थोड़ा सा तो खा। राधिका बेटा। जी बाबूजी। चलो मेरे साथ चलो। पर कहाँ? विद्यानिकेतन आश्रम, वहां मठ का कार्य चल रहा है ना बेटा, जन्माष्टमी के अवसर पर उसका उद्घाटन होने को है। मैं चाहता हूं वहां की सजावट और सारे प्रबंध में तुम मेरी सहायता करो। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं बाबूजी। ठीक है, तैयार हो जाओ, मैं भी वस्त्र बदल कर आता हूं। जी बाबूजी। दीदी, हमने तो कान में सुना था कृष्णी का जन्म मथुरा में हुआ था, उस जेल में जहाँ कंस ने देवकी को बंद करके रखा था। फिर उनका जन्म वृंदावन में क्यों मनाते हैं? जब कान्हा का जन्म मथुरा में हुआ था तब वो बंदी गृह में थे। कंस ने कहा था कि जैसे ही कान्हा का जन्म होगा वो उन्हें मार देंगे। देवकी बहुत चिंतित थी और वासुदेव भी बहुत चिंतित थे, लेकिन कान्हा तो भगवान है ना, जानते हो उनके जन्म पर क्या हुआ? क्या हुआ था दीदी? बच्चे जब पैदा होते हैं तब वो रोते हैं, लेकिन जब कान्हा पैदा हुए तो रोने की आवाज ही नहीं हुई। वासुदेव के पैरों की बेड़ियां खुल गई और सारे सैनिक बेहोश हो गए। वासुदेव ने उन्हें टोकरी में उठाया और वृंदावन लेकर गए, और वृंदावन में उन्होंने यशोदा मैया और नंद बाबा की गोद में छोड़ दिया। और जैसे ही कान्हा ने आंख खोली तो उनके रोने की आवाज आई और ऐसा लगा जैसे कान्हा का नया जन्म हुआ। इसीलिए तब से लेकर यही माना जाता है कि कान्हा का जन्म वृंदावन में हुआ था। देखा है ना, बहुत सुंदर होता है, झांकी बनती है, गाना बजाना होता है, फिर रोहिणी नक्षत्र के शुभ मुहूर्त में कान्हा को झूले में भी बिठाया जाता है। हमारे मठ में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है, और इनके दर्शन के लिए भक्त बहुत दूर दूर से आते हैं। इस बार तुम दोनों देखना, ठीक है? अब जाओ, दीदी की मदद कर।
मैं अपने देव के जीवन में फिर से खुशियां ला सकती। क्या चाची माँ, आप बिना किसी का भी बात सुन के परेशान हो जाती हैं। अरे बोलने वाले कहाँ है, जबान उठाई, तालुस टकराई और बोल दिया पट 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 तोते की तरह। हाँ, पर उनको सच का कहा मालूम? हाँ छोड़िए चाची माँ, अब इन परिस्थितियों में कौन बाप अपनी बेटी देव बाबू को देना चाहेगा, वो भी ये जानने के बाद कि देव की पहली पत्नी उसे छोड़कर भाग गई है। बड़ी बहू, अरे बोलने के पहले सोच तो लिया करो कि क्या बोलने जा रही हूँ। कहाँ क्या बोलना है कुछ समझ में नहीं आता है। सॉरी मम्मी जी, सुनने में बुरा तो लगता है लेकिन क्या कर सकते, सच्चाई तो यही। चाची माँ, कलेजे पर पत्थर रखकर कहना पड़ रहा है, कोई भी शरीफ परिवार अपनी बिटिया देव बाबू को नहीं देगा। चलिए सच कौन स्वीकारता है। शास्त्री जी, आप तो जानते हैं राधा और कृष्ण की मूर्ति की स्थापना केवल विवाहित युगल ही कर सकता है। इसलिए देव बाबू बिना पत्नी के यह स्थापना नहीं कर सकते। चाय बना दें क्या? चाय? अच्छा ठीक है, बना दे। बिरजू जी, पहले विवेक को दवा दे दे, उसके दवा का टाइम हो गया है, फिर चाय बना देना। जी ठीक है। जब भी देव को देखती हूँ दिल रो पड़ता है। वैशाली, जो गुरुजी कह रहे हैं वो हम क्यों नहीं कर सकते? हम देव के लिए एक अच्छी लड़की क्यों नहीं ढूंढ सकते? अब तो हमें ये भी पता है कि विशाखा खुद नहीं आना चाहती इस घर में। हाँ माँ जी, पर सुशील ने जो कहा, विशाखा खुद गई है इस घर से, इसमें देव का क्या दोष? ये उसकी अपनी मर्जी थी, अपना फैसला था, इसकी सजा देव क्यों पाए? माना कि देव के लिए अच्छी लड़की ढूंढना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इस डर से हम ये काम न करें इसमें तो कोई समझदारी नहीं है। माँ जी, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? देव और विशाखा अभी भी कानूनन पति पत्नी है, ये देव की दूसरी शादी कहलाएगी माँ जी। और माना कि विशाखा नहीं लौट कर आना चाहती इस घर में, लेकिन कोई भी बाप घबराएगा अपनी बेटी को इस घर में देने, क्योंकि उसे लगेगा कि कभी भी विशाखा लौट कर आ सकती है यहाँ। बिरजू, मैं देखती हूँ। आई ना, कौन है वैशाली? शास्त्री जी है माँ जी। शास्त्री जी, आइए अंदर आइए। राधे राधे। देव बाबू के लिए अपनी पुत्री राधिका का विवाह प्रस्ताव लेकर प्रस्तुत हुआ हूं।
मुझे ज्ञात है कि मेरा ये प्रस्ताव इस क्षण आपको अनुचित प्रतीत हो रहा होगा, परंतु वर्तमान परिस्थितियों में जब विशाखा ने आपके परिवार को और देव बाबू को इतना कष्ट दिया है, उसे कम करने का इसके अतिरिक्त और कोई भी उपाय मुझे उचित प्रतीत नहीं होता। माँ जी, आप जानते हैं शास्त्री जी आप क्या कह रहे हैं? आप शायद भूल गए हैं शास्त्री जी, राधिका को हमारे घर से एक बार निकाला जा चुका है। विशाखा से मिलने आए विशाखा को अभिनय क्षेत्र में जाने के स्वप्न उसी व्यक्ति ने दिखाए थे। राधिका इस विषय में जानती थी, इसी कारण उसने सारा दोष अपने माथे पर लेकर अपनी बहन के सम्मान की रक्षा की। बाल्यावस्था से ही राधिका अपनी बहन के अपकृत्यों पर पर्दा डालने की चेष्टा करती रही। उस रात्रि भी उसने वही किया, क्योंकि उसे ज्ञात था कि आप विशाखा को कभी क्षमा नहीं करेंगे। मेरी बेटी राधिका के जाति और कुल के विषय में भले ही मुझे ज्ञान ना हो, परंतु मैं इतना पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं माँ जी कि मेरी राधिका जैसी पवित्र आत्मा इस धरती पर मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। हाँ शास्त्री जी, मेरा भी मन यही कहता था कि राधिका निर्दोष है, उसके चेहरे पे सच्चाई का तेज है। माँ जी, अब जबकि सारा सत्य आपके सम्मुख आ चुका है, अंतिम निर्णय मैं आप पर छोड़ता। राधे राधे। यहां कहां ऐसे खड़े हैं? जा रहे थे? तुझे पर किसको क्या था? क्या हो, इस शास्त्री जी यहां कहां आए थे? अरे इनका बेटी ने इस घर का इतना बड़ा अपमान किया, उसके बाद भी उनका यहां आने का जिगरा हो गया? नहीं, दरअसल वो शास्त्री जी जन्माष्टमी पूजा के बारे में बताने आए थे। गुरु जी चाहते हैं कि ये पूजा उनके निर्देशन में हो। ओ पंडित पंडित भाईचारा। ठीक है चाची माँ, जैसा आप ठीक समझे। बंसी बजैया कहते हैं बिना बात का है सर खपाना। नहीं ठीक है माँ जी, आपको नहीं लगता कि शास्त्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसके बारे में घर के बाकी लोगों से भी बात कर लेनी चाहिए? अभी नहीं बहू, पहले मुझे देव का मन टटोलने दो, उसके बाद सबसे बात करेंगे। हमको जो है सबसे एक जरूरी मुद्दे पर चर्चा करनी है। हालांकि ये बात पहले भी उठी थी लेकिन चाची माँ ने नजरअंदाज कर दी, लेकिन मुद्दा बहुत बड़ा है, राख फाड़े खड़ा है हम सबके सामने। चाची माँ, आप तो जानते हैं कि बिना अर्धांगिनी के देव बाबू जो हैं, ना तो जन्माष्टमी की पूजा में बैठ सकते हैं और ना ही महाआरती कर सकते हैं, जैसे कि रिवाज है। तो
अर्जुन की माँ के स्वर्गवास के बाद हम कभी कोई पूजा अनुष्ठान में नहीं बैठे। हम जो है रिवाजों का सम्मान करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि जन्माष्टमी की पूजा और महाआरती में जैसे स्थापना में अर्जुन और दीपिका को बैठाया गया था ना, वैसे ही दोनों को बैठा दीजिए। बिना बात बहस करके माहौल खराब करने से क्या फायदा? ऐसी स्थिति में इतना दूर दूर से लोग हमारे जन्माष्टमी उत्सव में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, क्यों बड़ी बात? बिल्कुल। और इतना ही नहीं, दिल्ली पहुंचकर देव बाबू के राज पुरोहित बने रहने पर भी हमको विचार करना होगा। ऐसे व्यक्ति को तो राज पुरोहित नहीं बने रहने दे सकते हैं ना जिसकी जिसकी पत्नी ही घर छोड़ के भाग गई हो। अब चाची माँ देखिए, ये कोई हमारी निजी राय तो है नहीं, बाकी आप सब लोग जैसा उचित समझें करें। हम तो बंसी बजैया के उपासक हैं, सत्य कहेंगे और निर्भीक होकर कहेंगे। सुशील, जन्माष्टमी की पूजा देव ही करेगा। और इस बात को लेकर तुम देव से कोई चर्चा नहीं करोगे, उसे दुखी नहीं करोगे। अगर हर कदम में वो इस तरह से अपमानित होता रहेगा तो बिल्कुल टूट जाएगा। लेकिन विधि विधान, पूजा पाठ और जो परंपरा, देव और राधिका की शादी हो जानी चाहिए। लेकिन शास्त्री जी, एक समस्या है जी। वो क्या है कि मैंने देव से इस प्रस्ताव के बारे में कुछ नहीं कहा है। मैंने तो सिर्फ उसका दिल टटोलने की कोशिश की और मुझे ये आभास हुआ कि वो राधिका की बहुत इज्जत करता है। लेकिन प्यार तो उसने विशाखा से किया था ना, और शादी भी, इसलिए मैं समझ नहीं पाई कि ये बात मैं उसके साथ कैसे करूं। माँ जी, ये प्रस्ताव मेरा था, इस कारण देव बाबू के समक्ष भी मैं ही रखूंगा। और श्री कृष्ण की इच्छा हुई तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे। और उसके पश्चात ही मैं राधिका से चर्चा करूंगा, और कान्हा की इच्छा हुई तो वो भी इस प्रस्ताव के लिए ना नहीं कहेगी। क्या हुआ जी, आप क्या सोचने लगे? आज मुझे अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य करना है। देव बाबू और राधिका को इस विवाह के लिए मनाना है। देव बाबू की दादी माँ और माताजी ने तो अपनी स्वीकृति दे ही दी है। उन्हें पूर्ण विश्वास है कि यदि राधिका उनके घर की छोटी बहू बनकर जाएगी तो घर में आनंद और सुख की वर्षा होगी। हाँ, और हमारे पापों का प्रायश्चित भी हो जाएगा। कुछ कहा देवकी जी आपने? नहीं जी, कुछ भी तो नहीं।
देव बाबू की स्वीकृति लेना मुझे सबसे कठिन प्रतीत हो रहा है। विशाखा से वो प्रेम करते थे, उससे विवाह का प्रस्ताव उन्होंने ही भिजवाया था। लल्ला, तूने जो भी सोचा है उस सुनकर मुझको बहुत खुशी हुई है। जी भर आयो है मोरा। वो कहते ना, जब जागो तभी सवेरा। नहीं सोच ले, तूने जो भी निर्णय लियो है बहुत ही अच्छा निर्णय लियो है। अम्मा, मुझे ये जानकर बहुत हर्ष हो रहा है कि आपको कोई आपत्ति नहीं। अरे वो को काहे की आपत्ति लल्ला, मोर पोती का घर दोबारा बस रहा है। दोबारा वो घर की छोटी बहू कहलावेगी, काहे की आपत्ति। दोबारा? आप किसकी बात कर रहे हैं? अरे विशाखा की। विशाखा मेरे लिए मृत है, ये बात आप जानती हैं। मैं तो राधिका और देव बाबू का विवाह करवाना चाहता हूं। और मुझे विश्वास है अम्मा कि देव बाबू को राधिका से अच्छी पत्नी नहीं मिल सकती। इसी कारण मैं देव बाबू से आज राधिका से विवाह करने का प्रस्ताव रखने वाला हूं। यदि उन्होंने स्वीकार कर लिया तो आज की महा आरती राधिका और देव बाबू मिलकर करेंगे। जिंदा बेटी का तर्पण करके तूने जीना भरा, जो का अधिकार भी छीनना चाह रहा है। ऐसी गलती मत करियो लल्ला, ऐसी गलती मत करियो। मैं निर्णय ले चुका हूं अम्मा, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा। उसे छुपाई ताकि मैं लल्ला को रोक ना सकूं। याद रखियो बौरिया, विशाखा मुझ जिगर का टुकड़ा है, क्योंकि जिंदगी मैं खराब ना होने दूंगी। कि जो कुछ भी हो रहा है मुझको रोके का चाहिए। बस अम्मा जी बस, कुछ रोकने की आवश्यकता नहीं है। जो हो रहा है उसे होने दीजिए। इन्होंने जो भी निर्णय लिया है ना, वो बिल्कुल सही है। ना तो मैं इन्हें खुद रोकूंगी, ना ही आपको रोकने दूंगी। बल्कि अम्मा जी, उन्हें ये सलाह मैंने ही दी थी। अम्मा जी, हमसे जो पाप हुआ है उसे सुधारने का एक मौका मिल रहा है हमें। आप खुद ही सोचकर देखिए अम्मा जी, क्या हम कभी किसी को बता पाएंगे कि देव बाबू की पत्नी राधिका है, विशाखा नहीं? नहीं ना अम्मा जी। तो फिर एक पति पत्नी को एक दूसरे से अलग करने का जो पाप हमसे हुआ है, उसका प्रायश्चित करने का जो एक अच्छा मौका मिल रहा है हमें अम्मा जी, उसे हम क्यों छोड़े? ना, हम ये बात नहीं मानती। विशाखा लौटेगी और मोको विशाखा की जगह संभाल के रखेगी है। हम राधिका को उस जगह कभी ना लेने देंगी। अगर ऐसा होगा तो विशाखा के लौटने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। क्या
रास्ता विशाखा अपने आप बंद कर चुकी है अम्मा जी। उसने अपना मंगलसूत्र देव बाबू को लौटा दिया है। जी अम्मा जी, देव बाबू ने विशाखा को मुंबई में ढूंढ लिया था और उससे अपने साथ चलने के लिए कहा था, पर विशाखा ने मंगलसूत्र लौटा दिया और कहा कि वो तो इस रिश्ते को ही नहीं मानती। विशाखा नादान है, तभी तो अनाप शनाप बोल गई। विशाखा लौटेंगी जब उसकी मति सुधर जाएगी तो आप ही लौट आवेगी। पर तब तक अगर उसकी जगह राधिका ने ले ली तो विशाखा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और हम ऐसा नहीं होने देंगी। आज की महाआरती राधिका को देव बाबू के साथ कतई ना करने दूंगी, कतई नहीं, देख लीजो। हेलो, एक्सक्यूज मी, चीची आपको पता है देवर जी ने आज क्या किया है? वही तो मैं पता लगाना चाहती, लेकिन तुम मुझे यहाँ खींच कर लिया। ओहो जीजी, हम बता देते हैं, देवर जी ने आज अपनी आवाज का जादू दिखाने के लिए लिल जेम्स के बच्चों को बुलाया है। गॉड, दीपिका तुम मुझे ये बताने के लिए यहाँ खींच कर लाई? अनबिलीवेबल, तुम्हारी असल तुम्हारे घुटनों में भी नहीं, तुम्हारे जूतों में। चीची आप भी ना कब किस बात पे नाराज हो जाए पता ही नहीं चलता। क्या हो गया भाभी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? ये तुम्हारी बीवी मेरे इतने जरूरी काम में से मुझे यहाँ खींच कर क्यों लाई है जानते हो? क्यों भाभी? ये बताने के लिए कि वहाँ लिटिल जॉन्स के बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं। रियली? वहाँ लिटिल जॉन्स के बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं और आप और मैं यहाँ खड़े? दीपिका तुम जरा यहाँ का ख्याल रखो, हम लोग अभी आते हैं। आइए भाई, आइए जल्दी आइए जल्दी। कहाँ है जी आपके दोस्त, क्या नाम बताया? देव ना, कहीं दिखाई तो दे ही नहीं रहे। सुनिए, आइए आप बांटी से। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। देखिए हम देव के दोस्त हैं, हम शेखर हैं, ये लाली। देव ने हमको बुलाया था, सोचा चल के जन्माष्टमी की बधाई दें, लेकिन वो तो कहीं दिख ही नहीं रहे। सबसे पहले मेरी तरफ से आप दोनों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी। यहीं कहीं होंगे वो, मैं उन्हें ढूंढ कर लेकर आती हूँ, बस आप रुकिए। हाँ समझिए, आप राधिका जी हैं का? जी प्रणाम। राधे राधे, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। कहा है कि आपके बारे में अपना गांव में बहुत सुने थे, हमारे गांव से यहाँ लोग हमेशा आते रहते थे तीर्थ यात्रा करने के लिए, तब लोग बताए थे कि आप उन लोगों की बहुत मदद करती हैं। पता है वो लोग क्या कहते हैं आपके बारे में? आप आज के युग की मीराबाई हैं। सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके गाँव वाले मुझे इतना सम्मान देते हैं। जो इंसान अपने आराध्य से इतना प्रेम करता है और उसकी पूजा करता है उसे मीरा कहते हैं। एक बात पूछे, हम तो कथा प्रवचन में सुने थे कि मीराबाई किशन भगवान जी से बतियाती हैं और किशन भगवान जी उनको छेड़ते हैं। हाँ बिल्कुल, छेड़ते थे, उनसे बात करते थे। शेखर जी, मैं सही कह रही हूँ ना? जी जी। लेकिन दो इंसान की तरह कैसे? जहाँ निस्वार्थ प्रेम होता है वहां तो पत्थर भी बोलने लगते हैं। मेरे कान तो भगवान है ना, मीरा और कान्हा की प्रेम कहानी तो उन लोगों के लिए उदाहरण है जो लोग प्रेम में त्याग देते हैं। क्योंकि असली प्यार वही है जहां पाने का लालच नहीं सिर्फ देने का उत्साह होता है। प्रेम में पाने के लालच नहीं देने का उत्साह होना चाहिए।
क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं, ओ मीरा भाई और किशन भगवान जी के प्रेम के बारे में सोच रहे थे। आपके मन में कान्हा की जो भी छवि है आप मुझे बताइए। चलिए ना शेखर जी, आइए ना। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।